हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्थ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिलीफ दी है लॉकडाउन को लेके और बहुत सारे बिजनेसेस को अलाउ किया है कि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सही टाइम है कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं और अपने लिए कुछ अलग करूं, अपना खुद का बॉस बनूं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आज आपको 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप आज और अभी से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको इन बिजनेसेस के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी इन बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 5 बिजनेस कौन से हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़े, मैं अपने घर पे बैठे बैठे सेफली वो बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, तो जो हमारा पहला बिजनेस है वो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो दोस्तों, हमारा पहला बिजनेस जो है वो है रीसेलिंग। रीसेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। ये बिजनेस आप अपने घर पे बैठे बैठे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक स्मार्टफोन की जरूरत होती है और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आप ऑनलाइन बहुत ईजिली सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे उस जॉब के साथ ही एक बिजनेस ट्राई करना है, तो रीसेलिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रीसेलिंग क्या है, आप इसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो प्लीज हमारी वीडियो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रीसेलर को देखिए। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि कैसे आप रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनली प्रोडक्ट बेचें और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो हमारा जो दूसरा बिजनेस है वो कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा बिजनेस है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको शॉपिफाई का प्लान लेना होता है, जो कि अप्रॉक्स 2200 रुपीज का होता है। और इसके ही साथ साथ आपको एक डोमेन भी बाय करना है, जो कि 300 टू 1000 रुपीज के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा। ये दोनों चीजें बाय करने के बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और रीसेलिंग की तरह ही ड्रॉप शिपिंग में भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप इजीली बेच सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हमने एक वीडियो बनाई है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कौन सी चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे कि आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जो हमारा तीसरा बिजनेस है, उस बिजनेस को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस है असेंशियल प्रोडक्ट की डिलीवरी का। असेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, ऐसी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा हो कि नहीं यार, ये बिजनेस बहुत पुराना हो चुका है, बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। तो मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। नंबर 1, कि कंपटीशन वही होता है जहां की डिमांड ज्यादा होती है। तो इसके लिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है। नंबर 2, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर बिग बास्केट ने टोटल 2800 करोड़ के प्रोडक्ट्स बेचे थे। हाँ, आपने सही सुना, 2800 करोड़। जबकि बिग बास्केट का टोटल कस्टमर बेस खाली 1.2 करोड़ लोगों का ही है। और आप सबको पता होगा कि इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी इस बिजनेस में कितना ज्यादा स्कोप है। और मैं आपको अभी ये बिजनेस इसके लिए शुरू करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इन चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप इस टाइम पे बहुत इजीली अपना कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हैं, और ये कस्टमर बेस आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा आपके बिजनेस को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में। और अगर आपको इस बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, तो आप इस बिजनेस को ऑनलाइन फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं, ताकि आपका बिजनेस ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपको ज्यादा कस्टमर इजीली मिले। अगर आपको नहीं पता है कि फेसबुक यूज करके कैसे आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, तो प्लीज जाके हमारी वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे आप फेसबुक यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने करेंटली प्लास्टिक कैरी बैग को बैन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, तो ये सही टाइम है कि आप क्लोथ बैग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
इतने बड़े बड़े वर्ड्स सुन के आपको टेंशन में नहीं आना है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इनिशियली आपको ये बैग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना है। इनिशियली आपको कोई होलसेलर होगा, उससे कॉन्टैक्ट करके ये बैग्स कम प्राइस में खरीदना है और उसको जो भी आपके लोकल शॉप्स वगैरह है या फिर जो भी जनरल स्टोर्स है उसको अप्रोच करना है ये बैग सेल करने के लिए। और जब आपको लगता है कि आप वीकली 1000 से 2000 बैग बेच सकते हैं तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद डाल सकते हैं। और इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, आपको सिंपली एक सिलाई मशीन लेनी है। वो भी मैं आपको इनिशियली सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड हैंड ले, तो आपके बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे और उन पैसों को आप अपने मटेरियल को खरीदने में यूज करें ताकि आप ज्यादा बैग्स बना पाए। और आप इजीली इस बिजनेस से, अगर आप वीकली 1000 बैग्स बेचते हैं तो आप इजीली हर वीक के 4,000 to 6,000 रुपीस कमा सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप महीने के कम से कम 25,000 कमा सकते हैं। और इनिशियली किसी भी बिजनेस के लिए 25,000 का प्रॉफिट काफी अच्छा है। और जैसे जैसे आपका ये बिजनेस बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसके लिए ये बिजनेस काफी अच्छा है और काफी प्रॉफिटेबल भी है। तो दोस्तों, जो पांचवा बिजनेस है वो कोरोना वायरस आने के बाद से बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया है और ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। ये बिजनेस है सैनिटाइजेशन का, क्योंकि लोग आजकल अपने आप को और अपनी चीजों को सैनिटाइज रखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। और इस बिजनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। इसके लिए आपको सिंपली एक फॉगर मशीन लेनी है जो कि आपको 7,000 रुपीस की मिल जाएगी। अगर आपको वो भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप एक मैन्युअली ऑपरेटेड स्प्रे पंप ले सकते हैं जो कि आपको 15,000 to 2,000 रुपीस का मिल जाएगा। इस बिजनेस के लिए आपको बहुत इजीली क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। आपको नॉर्मली सोसाइटीज को कॉल करना है और उनका डेली या मंथली बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। आप गाड़ियां भी सैनिटाइज कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग आपको सामने से कॉल करके आपको बुलाएंगे इस बिजनेस के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आजकल लोग एक फ्लैट को सैनिटाइज करने का अप्रॉक्स 1500 to 2000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके ही साथ साथ लोग एक कार को सैनिटाइज करने का 200 से 300 रुपीस चार्ज कर रहे हैं, तो अगर आपने दिन में 20 गाड़ी भी सैनिटाइज की तो आप इजीली 3 से 4,000 रुपए दिन के कमा सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक महीने में 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं इस बिजनेस के साथ। तो दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस सेफ्टी का है तो इसके लिए आपको दूसरों की सेफ्टी के साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बिजनेस जो कि आप आज और अभी से शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई दोस्त है इसको नया बिजनेस शुरू करना है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।